After acquiring water in the contractile vacuole up to a certain limit, then the contractile vacuole are expelled out of the amoeba's protoplasm. So we say that the formation of contractile vacuole is called uh, the diastole, and the expel of contractile vacuole is called the systole. Initially, it was considered that contractile vacuole were the excretory organ in amoeba. But after uh, experiments, it has been observed that the contractile vacuole disappears when the fresh water amoeba is kept in uh, water uh, having high salt content that is when the fresh water or aquatic amoeba is kept in the marine habitat where the salt concentration is almost equal to the salt concentration of the protoplasm of amoeba. in th this condition, the contractile vacuole disappears completely. and when the uh, marine amoeba is kept in freshwater environment, then it develops the contractile vacuole. so this experiment clearly indicates that contractile vacuole is only required for the water balance or osmoregulation and it does not function as an excretory organ now the next topic in line is the metabolism in amoeba amoeba takes in food and oxygen from which it makes the protoplasm उपापचयी क्रियाएं हम जानते हैं कि अमीबा अपने हैबिटेट से खाद्य पदार्थों को अंदर अंतर्ग्रहण करता है ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण या डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और इन सभी का उपयोग जो है वो शरीर के निर्माण के लिए किया जाता है यानी प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए किया जाता है तो उपापचेयी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि एनाबोलिज़म प्लस कैटाबॉलिज्म का सम होती है का सम्मिलित रूप होती है एनाबॉलिज़्म का मतलब होता है सरल कंपोनेंट्स के द्वारा जटिल कॉम्प्लेक्स या जटिल मॉलिक्यूल्स का निर्माण करना एनाबॉलिज़्म एक बायो बिल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर निर्माण का कार्य होता है और निर्माण के कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कैटाबॉलिज़्म वह क्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स या जटिल मॉलिक्यूल्स को सरल कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है और इस क्रिया के अंदर एनर्जी हमें प्राप्त होती है तो मेटाबॉलिज्म जो है हम कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम्मिलित जो प्रोसेस है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं द प्रोसेस रिट यूज एनर्जी एंड बिल्ड अप प्रोटोप्लाजम आर नोन एज एनाबॉलिज्म एंड दोज विच ब्रेक डाउन प्रोटोप्लाजम टू रिलीज एनर्जी एंड प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म में हमें एनर्जी प्राप्त होती है और जटिल मॉलिक्यूल्स से हमें सरल मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं जबकि एनाबॉलिज्म वह क्रिया है जिसमें एनर्जी की खपत होती है और सरल पदार्थों से मॉलिक्यूल से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है नेक्स्ट टॉपिक इन अमीबा इज़ द बिहेवियर ऑफ अमीबा वी नो दैट इन अमीबा देर आर नो स्पेशल नर्वस सिस्टम देर इज नो स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन बट द प्रोटोप्लाज्मिक नेचर ऑफ़ द एनिमल और द प्रोटोप्लाज्म हैज़ अ नेचर ऑफ सेंसिटिविटी हम जानते हैं कि अमीबा में संवेदी अंगों का व तंत्र का तंत्र का अभाव होता है लेकिन प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का मूलभूत गुण संवेदनशीलता होती है और इसकी वजह से कई सारे उद्दीपनों को अमीबा महसूस करता है इस उत्तेजनशीलता का गुण अमीबा में पाया जाता है विभिन्न उद्दीपनों के प्रति अमीबा अपनी प्रतिक्रिया गमन द्वारा ही प्रदर्शित करता है अब हमें किसी सब्सटेंस का रिएक्शन हमें प्रतिक्रिया हमें अमीबा में अगर देखनी है तो हम यही देख सकते हैं कि अमीबा या तो उस उद्दीपन के तरफ जाता है या उस उद्दीपन से दूर जाता है जब अमीबा उद्दीपन के पास जाता है तो हम इस क्रिया को पॉजिटिव रिएक्शन या धनात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं और यदि अमीबा उद्दीपन से दूर हटता है तो इस क्रिया को हम नेगेटिव रिएक्शन या ऋणात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं अमीबा में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं हैं विभिन्न प्रोसेस हैं उनको हम तीन कैटेगरी में ले सकते हैं एक रिस्पॉन्स टू वर्ड्स टच यानी संपर्क के प्रति प्रतिक्रिया इसे थिगमो टैक्सिस कहते हैं टैक्सिस का मतलब होता है गमन करना और थिगमो का मतलब होता है टच अमीबा गमन करते समय किसी ठोस या नुकीली वस्तु को छू जाने पर नेगेटिव प्रतिक्रिया दर्शाता है इस प्रतिक्रिया के परिमाण स्वरूप इस प्रतिक्रिया आ, के परिमाण स्वरूप संपर्क के स्थान पर प्लाज्मा जेल का मोटा स्तर बन जाता है वह इस दिशा में गमन रुक जाता है परिमाण स्वरूप अमीबा अपने सीडोपोडा पोडिया का निर्माण कर उस जगह से विपरीत दिशा में चला जाता है ऑल चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन आर टर्म एज चिम्यूलाय और इेशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पॉन्स टू चिम्यूलाय is called irritability or sensibility the behavior of amoeba involves change in shape locomotion food getting avoiding of unfavorable environment hunger and so on its response to different form of stimuli vary the response to stimuli are called taxis taxis means movement Taxis may be either positive in which the organism moves towards the stimulus or negative in which the organism moves away from the stimulus. Amoeba exhibit both type of movement, positive as well as negative. Two different stimuli. First response uh, is called the thigmotaxis. This is in response to touch and when amoeba come across some pointed or sharp object it moves away from that object when the pseudopodia has come in contact with the sharp object it forms a thick plasma gel above the pseudopodia and move in opposite direction when it comes in contact with the food pseudopodia are formed in such a way सो एज़ टू इनगल्फ द फूड एंड द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया अमीबा इन्जेस्ट द फूड यानी अगर किसी नुकेले ऑब्जेक्ट की तरफ आता है या उसे वो चुपता है तो अमीबा अपना गमन नेगेटिव दिशा में करता है और जिस जगह से शार्क ऑब्जेक्ट को अमीबा के स्यूडोपोडिया द्वारा छुआ गया था वहाँ पर एक प्लाज्मा जल की मोटी परत बन जाती है जब खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो अपने कुट पादों के द्वारा फूड को वो अपने अंदर अंतर्ग्रहित कर लेता है दूसरी प्रकार की जो मूवमेंट है वो कहलाती है कीमोटैक्सिस ये केमिकल के प्रति ऋणात्मक रिएक्शन के बारे में है जिसमें अगर अमीबा को किसी ऐसे केमिकल यानी रसायन के संपर्क में रखा जाता है तो अमीबा उस जगह से अपने आप को हटा लेता है तीसरी प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वह है थर्मोटैक्सिस थर्मो का मतलब होता है हीट इसमें भी अमीबा एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाता है अमीबा शोज अ नेगेटिव रिएक्शन एंड दस इट मूव्ज़ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट यदि अमीबा के लिए ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर का ताप दिया जाता है तो अमीबा नेगेटिव ऋणात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है अमीबा के लिए 20 से 25 सेल्सियस ताप सबसे उपयुक्त होता है वह इस पर सबसे अधिक सक्रिय वह रहता है ताप की इस सीमा के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है अतः इससे ताप की सर्वोत्तम सीमा कहते हैं यदि ताप कम हो जाए तो अमीबा में क्रियाएं धीमी हो जाती है और यदि इस ताप सीमा से अधिक हो जाए तो क्रियाएं बढ़ जाती हैं यदि ताप तीस डिग्री से अधिक हो जाए तो अमीबा सिकुड़ जाता है ताप में अत्यधिक कमी व अधिकता होने पर अमीबा मर भी सकता है ऑप्टिमम टेम्परेचर इन विच अमीबा रिमेंस परफेक्टली all right is 20 degree to 25 degree celsius if the temperature drops below 20 degree celsius then the metabolic activity in amoeba decreases and when the temperature becomes more than 25 then the activity uh, increases but beyond 30 degrees c the animals activity stops it becomes श्रंकन uh, uh, सिकुड़ जाता है और टेम्परेचर वेरिएशन अगर इज मोर देन दिस ट्वेंटी एमसी द एनिमल में डाई नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट इट इज नोन एज फोटोटैक्स द एनिमल शोज नेगेटिव रिएक्शन इट मूव्स अवे फ्राम दी स्ट्रॉन्ग लाइट एंड मे चेंज द डायरेक्शन तेज़ रोशनी से अमीबा परहेज करता है और नेगेटिव प्रतिक्रिया दर्शाता है गैलवेनो टैक्सेस दिस इज द रिस्पॉन्स टूअर्ड्स करेंट विद्युत से प्रतिक्रिया यदि जल में अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह एनोड से दूर जाता है वह कैथोड की तरफ गमन करता है वन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अमीबा इट स्टॉप्स मूविंग विदड्रॉ इट्स सीडोपोडिया एंड बिकम्स ग्लोब्यूलर इन वीक इलेक्ट्रिक करेंट इट मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल एंड अवॉइड्स द पॉजिटिव पोल रियोटैक्सिस रियोटैक्सिस इज इन रिस्पॉन्स विद दॉटर करेंट द एनिमल शो पॉजिटिव रियोटैक्सिस एज एटेंट टू मूव इन द लाइन विद वाटर करेंट पानी के बहाव के तरफ अमीबा पॉजिटिव रिएक्शन दर्शाता है जियोटैक्सिस यानी ग्रेविटी के प्रति प्रतिक्रिया अमीबा प्रोटीएस एग्जिबिट पॉजिटिव जियोटैक्सिस इट मूव टूवर्ड्स दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइक अदर एनिमल अमीबा दूसरे प्राणियों के समान पॉजिटिव जियोटैक्सिस मूवमेंट दर्शाता है यानी सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है तो इस तरीके से अमीबा में जो बिहेवियर है व्यवहार है उसका हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रोडक्शन इन अमीबा